एशियाई खेलों और ओलंपिक की तैयारियों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप से जुड़े खिलाड़ियों का विदेश में ट्रेनिंग के दौरान घर जैसा ख्याल रखने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिसकी दिक्कत खुद खिलाड़ी भी कर चुके हैं कि उन्हें खाने में बेहतर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं विदेश में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की दिक्कतों का ख्याल वहां रहने वाले भारतवंशी करेंगे। इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से की गई है। पीएमओ की इस पहल को खेल मंत्रालय परवान चढ़ाने में जुटा हुआ है। इसके लिए मंत्रालय उन देशों के भारतीय दूतावासों से बात कर रहा है जहाँ के सेंटरों में भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए जाना है। वहीं मंत्रालय ने उन ट्रेनिंग सेंटरों की सूची भी मांग ली है जहाँ खिलाड़ियों को तैयारी के लिए जाना है। इन्हीं देशों के राजदूतों से मंत्रालय बात करेगा और खिलाड़ियों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। होता तो ऐसा भी है जब खिलाड़ी बाहर किसी दौरे पर जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसमें खाना और घर जैसा माहौल मिलने में दिक्कत रहती है। वहीं पीएमओ और मंत्रालय का तर्क है कि इन देशों में रहने वाले भारतवंशी इस समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतवंशी मदद के लिए तैयार भी रहते हैं, खास तौर पर वे खिलाड़ियों को घर जैसा खाना उपलब्ध कराने और भारतीयों के बीच उठना बैठना कराकर खिलाड़ियों की इस दिक्कत को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।